बिग बॉस इस बार इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, गधों की फौज लेकर क्या रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, कमेंट सेक्शन पे लोगों ने भर दिया ये लिख लिख करके, जब से गधे वाला वो फुटेज एक्स पे वायरल होने लगा है। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो इस बार का जो बिग बॉस है उसका हाइप बहुत ही ज्यादा लो है, क्योंकि हमेशा से एक डेढ़ महीने पहले जो है लोग गुनगुनाने लग जाते थे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसको अप्रोच किया गया है, लेकिन इस बार के सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कुछ ज्यादा लोगों ने एफर्ट लगाया है और ना ही लोगों ने जानने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ये वाला बिग बॉस भी फुस्क होने वाला है। लेकिन 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 देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सलमान भाई को लोगों ने बहुत ज्यादा मिस किया है और सलमान भाई की होस्टिंग भाई सबको पसंद आता है, भले से वो हेटर हो या फिर फैन हो। मैं भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ सलमान खान को लेके, लेकिन जब बिग बॉस की होस्टिंग की बात आती है तो मैं भाईजान का फैन बन जाता हूँ। तो इस बार ज्यादा हाइप ना होने के बावजूद रिसेंटली 3-4 दिन के अंदर में इसकी हाइप अच्छी खासी बनाई गई है। हाइप का सबसे पहला रीजन ये है कि टाइम का तांडव होने वाला है, इस बार लोग होंगे गुलाम समय का। अब देखो ये सुनकर के ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग बॉस हमेशा से लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे कि लास्ट टाइम कहा गया था कि घर के अंदर में होगा मोबाइल फोन, बाहर की सारी खबरें दी जाएगी, और बाद में क्या निकलता है, बिग बॉस जो खबर देना चाहते हैं वही खबर आया करता था। तो इस बार जो है टाइम का तांडव का मतलब यह है कि आपके पीछे जो फुटेज चल चुका है, मतलब कल के दिन में जो आपने बोला है उस चीज को शायद प्ले करके आप लोगों के बीच में झगड़ा लगाने में, मसाला ऐड करने में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, जिस तरह से पुराने लोगों के फुटेजेस जो है थोड़े वायरल किए जा रहे हैं, जैसे कि शहनाज गिल हो गया, अभिषेक कुमार हो गया, इन सब लोगों का दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि मुनव्वर फारूकी, तो हो सकता है कि इन सभी लोगों का रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे ताकि तुम इन्हें कॉपी करके आगे बढ़ो, या फिर इन लोगों को जो है एज अ गेस्ट 2 या 3 दिन के लिए बुलाएंगे और उसके बाद से अपने शो का हाइप बढ़ाएंगे, क्योंकि शो की TRP बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है जब अनिल कपूर आए हुए थे, उसके बाद से बिग बॉस से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस बार जो है किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऐड अब तक तो नहीं किया गया है सिवाय एक बाबा के। पता नहीं कैसे अनिरुद्ध आचार्य जी जो है बिग बॉस के गेट के बाहर स्पॉट किए गए हैं। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये चीज मैं कंफर्म करके नहीं कह रहा हूँ, सोर्सेस ऐसे बता रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी जो है मतलब बिग बॉस में जा सकते हैं, या तो एज अ गेस्ट या फिर एज कंटेस्टेंट। भाई ये बंदा गया ना तो बहुत बड़ी बकचोदी होगी, मुझे इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं। अगर ये बंदा गया तो इसका हाल जो है स्वामी ओम जैसा होने वाला होगा और ये पाखंडी साबित हो जाएगा, और अगर अच्छा खासा है तो इसके बिग बॉस में जाने के बाद इसके धंधे बंद होने वाले भाई, क्योंकि बिग बॉस अच्छे अच्छों का करियर बिगाड़ करके भेजता है, और खास करके जो लोग बकचोद होते हैं उनके तो पक्के L लगा के भेजता भाई। आज वड़ा पाव गर्ल कहाँ है, उसके फेम को खुद बिग बॉस ने यूज किया और आज वो बंदी गायब है, मतलब उसको लोग देखना चाहते हैं ये बंदा कैसे बात करता है, क्या नहा के कैसे निकल रहा होता है, क्या कपड़े पहनता, अपने आप को स्टाइलिंग कैसे करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज है मेरे लिए तो है। तो किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं लाया गया है, क्योंकि बिग बॉस ने देखा कि हर बार लोगों के इल्जाम लगते हुए है कि इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है बोल करके इसको जिता दिया गया, या फिर इसके वजह से जो है इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, एंड दैट इज फेयर। हाँ ऐसा है, नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सिर्फ सेलिब्रिटी को लाओ भाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लाते हो उसके ऐसे उसका पोपड़ बना के घर भेज देते हो वो चीज तो गलत है। तो अभी तक के जो कंफर्म कंटेस्टेंट है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो है मेरे दो दो बाप वाले दिव्यान द सेना भाई। ये भाई साहब ट्विलाइट को देख करके इसके ऊपर में एक पूरा का पूरा सीरियल ले आए थे और वो बहुत ज्यादा चल रहा था, पता नहीं कैसे इस बंदे का शक्ल ही भयानक लगता है मुझे। तो ठीक है ये बंदा आने वाला है, और मुझे लगता है जब इसे अप्रोच किया गया होगा तो बोला गया होगा कि चलो इनकी जो अम्मा बनी थी उनको भी ले आते हैं, यानी अपने महेश बाबू की वाइफ जिनका नाम है शिल्पा शिरोदकर। मुझे इनके बारे में याद इसलिए है क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी बेवफा सनम, और लड़कों के दिलों की धड़कन होती है भाई, बेवफा सनम के जितने भी एल्बम आए थे वो सारे के सारे गाने हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग वो सब के सब हिट थे, और उसी के ऊपर में एक फिल्म बनी थी बेवफा सनम जिसमें ये हीरोइन थी, और दिल तोड़ के हंसती हो मेरा में ये दिखती हैं, तो लोगों को याद है मुझे भी याद है। तो भाई इसी वजह से और गोपी किशन ये बंदे के वजह से अचानक से दिमाग में फिर से आ गया कि हाँ ये वही बंदी है, इसके अलावा बेटा फिल्म में भी थी, तो भाई अच्छी खासी एक पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी है, और सब लोग जाके कमेंट सेक्शन पे लिख रहे हैं कि ये पूजा भट्ट 2.0 होने वाली है, आपको क्या लगता है? और देखो जो भी महारथी लोग कह रहे हैं कि ये महेश बाबू की वाइफ है, जूते खोल के मारूंगा भाई, ये नहीं है, उनकी सासू माँ हो गई समझो, नहीं मतलब उनकी वाइफ की बड़ी बहन है तो एक तरह की सासू माँ हो गई, तो ये महेश बाबू की वाइफ नहीं है, महेश बाबू की वाइफ की एल्डर सिस्टर है। नेक्स्ट जो कंफर्म कंटेस्टेंट है उसका नाम है शहजादा धामी। भाई इस बंदे का इंट्रो जब दिखाया जा रहा है तो उसके नीचे में लोग बार बार जाकर के कह रहे हैं कि साले को लात मार के निकाल दिया गया था इसके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से, और ये रिश्ता क्या कहलाता, और ये जादू है जिनका, ऐसे सारे सीरियल में काम कर चुका है, मुझे घंटा कुछ नहीं पता इस बंदे के बारे में और जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस वही
वही देखना है जो बिग बॉस में आने के बाद ये दिखेगा। अपने पास उतना टाइम नहीं है। बाय द वे कोई भी ऑफेंड मत होना, जितने भी लोग टीवी सीरियल्स के फैन है भाई, और खास करके फीमेल, उनके लिए तो हो सकता है कि वो जान हो, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ऐसे हस्तियों को देखा जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, बंदे से हाथ मिला रहा हूँ, बंदे के साथ में सब फोटो ले रहे, मैं खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसके साथ फोटो क्यों नहीं, यह बंदा है कौन। हाँ, तो ऐसा मेरे साथ काफी बार हो चुका है, सो आई एम वेरी सॉरी। इसके बाद से जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है उसने काम किया है मेरी बहू सिल्क और दुर्गा नाम के सीरियल में, और इसका नाम है चाहत पांडे। पता नहीं कैसी बंदी है, क्या बवाल मचा सकती है, पर ये भी कंफर्म्ड है, तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे लोग अभी कंफर्म्ड है, और भी जैसे जैसे इनसाइड न्यूज आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। तो चैनल को फॉलो करो यार, अगर आपको और भी एक्साइटिंग न्यूज चाहिए वक्त से पहले, एपिसोड से पहले अगर आपको अपडेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।